हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। अभी हम जा रहे हैं उज्जैन, और बहुत दिन से प्लानिंग था हमारा उज्जैन जाने का, पर हम जा नहीं पा रहे थे। और आज भी हम लोग काफ़ी लेट हो गए हैं। हमें जाना था 4 बजे और अभी बज रहे हैं 6:15, 6:30 का टाइम है। हम काफ़ी लेट हो गया, बारिश के शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। हाँ, बारिश का हो गया था, मतलब काफी सारी बारिश आने लग गई थी। काफी सारी बोल रही हूँ, काफी तेज बारिश आने लग गई थी, इसलिए हम रुक गए। नमस्कार, क्या चल? प्रकाश जी पीछे फोन पे बात कर रहे, तो मैं बाहर आ जाती हूँ। और अभी भी बारिश आ रही है, बट हम कार पे जा रहे हैं, तो मजे लेते हुए जाएंगे बारिश के, और देखेंगे फिर वहाँ कैसा रहता है मौसम। अगर बहुत तेज बारिश हुई तो देखो दूर से ही दर्शन कर पाए जैसा भी, और अगर रुक गई तो दर्शन भी हो जाएंगे और आपको भी करवा देंगे। तो मौसम तो अभी भी देखो बारिश वाला है, ये बिल्कुल आपको दिख रहा होगा गीला गीला, ये बिल्कुल एकदम बारिश वाला मौसम है। हाँ ठीक है, चल रहे चल रहे। अगर आज लेट हो गए तो फिर कल मैं थकी हुई जाऊंगी कॉलेज, और मुझे थके हुए जाना नहीं, क्योंकि कल बहुत इम्पोर्टेंट है यार, इसलिए तो याद करके जा रही हूँ मैं सारे। हाँ तो पाखी को हो गया है काफी लेट, मतलब हम लोग घर से ही काफी लेट चले हैं, तो वो पाखी बोल रही थी इतना लेट हो जाएगा तो मैं नहीं जा पाऊंगी, बट हम उसे फोर्सफुली ले आए हैं कि चलो साथ में, अकेले मजा भी नहीं आता जाने का। सो जाएगी क्या हो गया? सोने की प्रॉब्लम नहीं है उसको, एक्चुअली ये है कि टायर्ड हो जाएगी, थक जाएगी, घर लेट हो जाएगी, तो ठीक है। बाकी अभी इस टाइम हो रहा है मौसम बहुत अच्छा, और मैं यही बोल रही हूँ कि सारी चीजें पीछे छोड़ दे और मौसम का मजा ले। तो बाकी गाने चला दो। हाँ गाने चला देते हैं और मौसम का मजा लेते हैं, रियली मौसम बहुत अच्छा है। तो अभी आ गई है बहुत तेज बारिश, और अभी देखो क्या होता है, क्या हाल रहता है। इसी तरह बारिश आई तो कार का ड्राइविंग का तो मजा ले लेंगे हम लोग, पर मंदिर कैसे जाएंगे वो अभी पता ही नहीं, हमको खुद ही नहीं पता, बस हम चले जा रहे हैं और क्या होता है आगे जाके पता लगेगा। बाकी बारिश के तो बहुत मजे आ रहे हैं। तो हम लोग आगे हैं उज्जैन, और ये है घाट, और अभी हम रास्ते पर ही उतर के देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ तक तो हम नहीं जाएंगे, हम मंदिर जाएंगे, सबसे पहले मंदिर दर्शन करेंगे। और हवा चल रही है, पता नहीं आपको आवाज कैसे आ रही होगी। तो अभी हम घाट के दर्शन कर रहे हैं, और आप भी हमारे साथ देख लो। अभी वहाँ लोग भी खड़े हैं घाट पे ना उधर। हाँ ये इस तरफ काफी लोग हैं घाट पर। अरे म्यूजिक आ गया। हाँ तो यहाँ पर हम लोग 10-15 मिनट रुके और घाट का नज़ारा लेने लगे। रात का टाइम था और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, और बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे खड़े होके। चलो हम मंदिर चलते हैं। तो ऐसा हुआ कि हम मंदिर नहीं गए, घाट की तरफ ही आए हुए थे, तो सबने बोला कि चलो थोड़ा सा घाट भी देख ही लेते हैं थोड़ी देर, और घाट पे आना अच्छा भी लगता है, और मेरा भी शुरू से ही मन था कि घाट जरूर देखेंगे। तो अभी हम फिलहाल आ गए घाट पे, तो ये देख लीजिए घाट आ गया है, और पानी तो साफ ही लग रहा है मेरे को, देखते हैं पास से कैसा है पानी। घाट तो दिखाने थे लोगों को, तो पानी तो अभी पास से देख रहे हैं बहुत ही गंदा बेकार हो रखा है, पूरा कचरा कचरा हुआ हुआ है, रुका हुआ पानी भी है, तो पानी तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बस ये है कि यहाँ पे 5-7 मिनट रुक के और फिर चलते हैं। पानी तो वही है, रुका हुआ है, साफ नहीं है पानी। हाँ पानी साफ नहीं है। हाँ तो लग रहा था दूर से कि पानी साफ है, पर साफ नहीं है। जहाँ हम आए थे ना, हमने वो पापा के लिए पूजा करवाई थी, वही घाट है ये। वही घाट है नहीं, पर देखने का तो मन था ना, चलो देख लिया ये। अच्छा पास से देख लिया एक बार घाट को, और अच्छा मैंने स्नान नहीं करना था, कर लो। मैं सोच के ही आई थी घर से कि पानी ऐसा होगा कि पैर वैर डालूंगी मैं, पर वही पैर भी नहीं डाल सकते, बिल्कुल किनारे किनारे पे ही पूरा। अरे तो डाल दो, क्या हो गया? वो ठीक है, वो टेप वाम और पता नहीं कौन सा वाम चिपक जाएंगे उसको, और क्या। नहीं बस ठीक है, देख लिया बहुत अच्छे। इसी गेट से जाना है। आ गया, ये देखा तो है कि महाकाल वाहन पार्किंग, इधर जाना है। यहाँ से तो पूरा बाजार वाला एरिया है, यहाँ पे पूरा मार्केट है, खाने पीने की बहुत सारी छोटी छोटी दुकानें हैं, और क्या बताऊँ। बस यही है, यहाँ रोड है, जा रहे हैं खंबे लगे मंदिर की तरफ, जा रहे हैं, पूरा ट्रैफिक जाम पड़ा हुआ है, और
काफी देर से चलते हुए आ रहे हैं कार में, मतलब हम जूझ रहे हैं। हाँ। तो कार हमने पार्क कर दी है और अब हम पैदल जा रहे हैं, और ये रास्ता है आप देख ही सकते हो रास्ते में कैसे स्टॉल लगे हुए हैं। खाते पीते जाओ, बढ़िया दर्शन करो। क्यों बाकी? Yes. खाते पीते जाओ, बढ़िया दर्शन करो। तो मैं तो यहाँ बता रही हूँ कि सब खाते पीते जा सकते हैं, पर हमने यहाँ पर नहीं कुछ भी खाया पिया था। हमने पहले दर्शन किए महाकाल जी के, उसके बाद हम लोगों ने रात का डिनर किया, वो भी यहाँ पर। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्या दे रहे हो? कुछ भी। तो यहाँ पे काजी और पाकी मस्ती कर रहे थे, उनको ऐसे ही कुछ एक पता नहीं क्या चेन सी मिली थी, वो भी पीतल टाइप की, और पाकी से बोल रहे देख मुझे सोने की चेन। आज कितना रश है, पीछे देखो कितना रश है, और ये आगे की तरफ देखो। तो इस दिन यहाँ पर बहुत ज्यादा रश था। ये प्रसाद भी लिया हमने यहाँ से, तो ये अभी हमने दुकान पे से सामान भी लिया है। मेरे तो नहीं लिए थे, ये 100 रुपए का चोकर, ये 50 के हैं, झुमके हैं, ये 80 हैं, ये भी 180 के हैं, और एक 50 के हैं। ये बार्गेनिंग करने के बाद का बता रही हूँ, यूँ तो वो 150। हाँ, ये 150 का बताया था, मैंने भी एक लिया, और हमने 100 का करवा के लिया है। और अपन जा रहे कार में, और बस अब जाके खाना खाएंगे। तो दर्शन करने के बाद हम लोग यहाँ पर आए हैं अब रात का डिनर करने के लिए। तो अभी हम आगे हैं अतिथि कैफे लिखा हुआ है यहाँ, तो यहाँ पर आए हैं हम और खाना ऑर्डर कर रहे हैं, देखते हैं यहाँ का खाना कैसा है। और अभी टाइम हो गया है 11 बज गया, और बहुत भूख लगी हुई है सभी को। तो हम लोगों ने डिनर उज्जैन में ना करते हुए रास्ते में खाया था, जो कि आधा पौना घंटे के बाद एक ढाबा आया था अतिथि, हमने वहाँ पर रात का डिनर किया। तो गाइज आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि आप मुझे इतना प्यार करते हो और मेरी वीडियो इतनी पसंद करते हो। बस इसी तरह मेरी वीडियो के साथ हमेशा बना रहिएगा, और मेरे चैनल को अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ अभी कर लीजिए, और मिलेंगे फिर एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, बाय, टेक केयर।